हुस्न, सबर और मुकद्दर की लाजवाल दास्तान में हमने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को कैद के दौरान दो कैदी मिलते हैं जिन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाब देखे थे। जब यूसुफ अलैहि सलाम उनको ताबीर बताते हैं तो कहते हैं कि उनमें से एक को फांसी की सजा हो जाएगी और दूसरा रिहा हो जाएगा और अपने मनसब पर दोबारा फाइज हो जाएगा। और साथ ही यूसुफ अलैहि सलाम उस रिहा होने वाले कैदी से एक वादा लेते हैं कि जब तुम रिहा हो जाओ और बादशाह के पास चले जाओ तो मेरे साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में उनको बताओगे। वो कैदी वादा करता है और जब वक्त आता है और उस बंदे को रिहाई हो जाती है तो वो अपना वो वादा भूल जाता है और अपनी जिंदगी में मगन हो जाता है। और फिर कई दिनों बाद बादशाह को एक बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाब आता है। वो बादशाह एक ख्वाब देखता है और उस ख्वाब की ताबीर के लिए बहुत से लोगों को बुलाता है, सबसे पूछता है, लेकिन कोई भी इंसान उसकी ताबीर नहीं बता पाता। और फिर उस शख्स को याद आता है कि हाँ, कैद में मुझे किसी ने ख्वाब की सच्ची ताबीर बताई थी, और वो इसका जिक्र बादशाह के सामने करता है तो बादशाह उसे कहता है कि जाओ जाओ मेरे ख्वाब की ताबीर भी उसी शख्स से पूछ के आओ। जब वो शख्स ताबीर पूछ के आता है और बताता है तो वो बताता है कि आपके मुल्क में अगले 7 साल तो खुशहाली होगी लेकिन उससे अगले 7 साल शदीद कहत पड़ेगा। जब बादशाह ये ताबीर सुनता है तो परेशान हो जाता है, कहता है कि अगर ये हकीकत है और ऐसा होने वाला है तो इतना बड़ा इंतजाम कौन संभालेगा। तो फिर साथ ही वो उस शख्स को दोबारा हुक्म देता है और कहता है कि जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोलो कि हम तुम्हें रिहा करते हैं और साथ ही हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे मसाहिबे खास बन के इस सारे मसले को संभालो और कैद के लिए जो भी मनसूबाबंदी करनी है वो तुम करो। वो शख्स हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाता है और बादशाह की ये बात जब उन्हें कहता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह से मिलने से और उनका यह प्रपोजल एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। जब उस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनकार सुना तो वो तो हैरान ही हो गया क्योंकि उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो तो ये सोच के आया था कि जैसे ही मैं ये खुशखबरी यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाऊंगा तो वो तो उनकी तो खुशी के मारे इंतहा ही नहीं रहेगी। तो जब उसने ये इनकार सुना तो बोलने लगा, मैं बादशाह को जाके क्या बोलूं कि आपने इनकार कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला, बादशाह को बोलो मेरी रिहाई का मामला छोड़ दो। उसने कहा, लेकिन मुझे बादशाह को हर हाल में जाकर कोई जवाब देना है, मैं क्या बोलूं बादशाह को कि आपने क्यों मना किया है। तो तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि अपने बादशाह से कहो कि मुझे ये सारी जिम्मेदारियां देने से पहले, मेरी रिहाई से पहले जो इल्जामात मुझ पे लगाए गए हैं, जिन इल्जामात के तहत मुझे ये कैद दी गई है, जिन इल्जामात के तहत मैंने इतने सालों की अजियत बर्दाश्त की है, पहले उन इल्जामात की एक बार तफ्तीश तो करवाए कि क्या वाकई वो बातें सच थी, ये पता तो करवाए कि कसूर किसका था, ये पता तो करवाए कि किसके किरदार पे दाग था। वो शख्स चला गया। जब उसने बादशाह के सामने ये जाकर कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आने से मना कर दिया है और कहा है कि मेरी रिहाई से पहले मेरे किरदार पे लगे हुए दाग की तफ्तीश की जाए, तो बादशाह तो बहुत ही मरूब हुए। उनके लिए तो ये शख्स पहले ही मिस्ट्री था जिसके बारे में पहले अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं, फिर ये सुनने को मिलता है कि वो सच्चे ख्वाबों की ताबीर बताता है, फिर एक अपने ऐसी ताबीर उसको सुनाई जाती है जिसपे उसका दिल मुतमईन हो जाता है। और अब जब बादशाह ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही मैं बुलाऊंगा वो फौरन से आ जाएंगे, तो उन्हें इनकार सुनने को मिलता है। नहीं, उस शख्स के बारे में तजस्सुस बढ़ता जा रहा है बादशाह का। बहरहाल उनके जवाब से मरूब तो हुए लेकिन साथ ही हुक्म जारी कर दिया कि उस केस की दोबारा से तफ्तीश की जाए। बादशाह के हुक्म पर दोबारा से दरबार लगा दिया गया, समझ लें उस केस को रीओपन कर दिया गया। इतने सालों के बाद फिर से उस केस की सुनवाई होने जा रही है। बादशाह ने उस केस में मुलव्वस सारे लोगों को बुलाया, मिस्र की उन बड़ी बड़ी औरतों को बुलाया, जुलेखा को बुलाया, अजीजे मिस्र को बुलाया और दोबारा से इस सारे मामले की तफ्तीश की। तब उन मिस्र की औरतों से पूछा कि बताओ क्या वाकई ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा किया था कि तुम अपने हाथ काटने पर मजबूर हो गई, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुम्हें जानबूझकर अपनी तरफ रागिब किया था। तो उन औरतों ने पूरे भरे दरबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार की पाकीजगी का ऐलान किया, बोला कि हमने उनकी निगाह में कोई गलत चीज नहीं देखी, हमने उनके किरदार में कभी कोई गलत चीज नहीं देखी, हमने गलती की थी, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। फिर बादशाह ने जुलेखा से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या यूसुफ ने गलत किया था। तो जुलेखा ने भी जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा कुछ नहीं हुआ, यूसुफ ने मेरी तरफ कभी भी गलत निगाह से नहीं देखा।
ना उसके किरदार में कुछ गलत है, ना उसकी निगाह में कुछ गलत है, ना ही उसकी गुफ्तगू में कुछ गलत है। उस शख्स के बारे में आज उसके किरदार की गवाहियां भरे दरबार में दी जा रही हैं, जिस पर कुछ साल पहले ये सारे इल्जामात लगा के कैद सुना दी गई थी, आज उन्हीं के मुखालिफ अपने ही मुंह से उनके किरदार की पाकीजगी बयान कर रहे हैं। अब बादशाह ने जब इस केस की दोबारा से सारी तफ्तीश कर ली तो फिर उस शख्स को दोबारा बुलाया और बोला अब जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, उन्हें बोलो कि बादशाह ने हकीकत जान ली है, बादशाह को तुम्हारी किरदार की पाकीजगी का इल्म हो गया है, वो जानते हैं कि आप पाकीजा किरदार इंसान हैं, वो आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप आएं और उनसे मिलें। वो शख्स दोबारा से बादशाह का पैगाम लेके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और दरबार में जो सारा माजरा हुआ, जुलेखा का आना, उन औरतों का आना, सारे लोगों के सामने आपके पाक किरदार की गवाही देना, सब कुछ जाके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया और बोला कि अब बादशाह दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे कि आप आएं मेरे दरबार में। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त को कबूल किया और बादशाह के सामने हाजिर हो गए। अब बादशाह के रूबरू बैठे हैं और बादशाह ने सबसे पहले उनसे उसी केस का जिक्र किया कि हाँ मैंने तफ्तीश कर लिया है, हर चीज, आपके किरदार पर किसी को कोई शक नहीं है, उसके अलावा मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी ख्वाबों की ताबीर के बारे में भी, उस बारे में भी जिक्र किया और फिर अपने ख्वाब का जिक्र किया जिसकी ताबीर पहले ही उस शख्स के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बता चुके थे। अब जहाँ पे उनको रिहा कर दिया गया, साथ ही यहाँ पे बादशाह ने दरख्वास्त की कि आपने जिस तरह ताबीर बताई है, इस मामले को संभालना इतना ही मेरे लिए मुश्किल है जितनी ये चीज मेरे लिए मोतबर है, आपकी बात इतनी ही मेरे लिए ये चीज परेशान कुन भी है कि अगर ऐसा हो जाता है तो 7 साल बाद तो गोया मेरे मुल्क के लोग भूख से मरने लग जाएंगे, तो आप ही कुछ ऐसा कीजिए, आप ही ये सारे मामलात संभालिए कि 7 साल बाद मेरे मुल्क के लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकाला जा सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और कहा कि मैं ये जिम्मेदारी संभालूंगा, लेकिन बादशाह ने आपको सिर्फ ये फाइनेंस के इंतजाम नहीं दिए बल्कि एक और ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? अपनी अंगूठी निकाल के यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में पहना के बोला कि आज के बाद हालांकि मिस्र का बादशाह मैं हूँ, ये कुर्सी ये तख्त मेरा है, पर इस मुल्क पर, इस मुल्क के हर इंसान पर हुक्म यूसुफ अलैहिस्सलाम का चलेगा। यानी एक हिसाब से वो बादशाह के कायम मकाम बन गए कि बादशाह के बाद अगर इस मुल्क का कोई इम्पोर्टेंट इंसान है तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जब ये ऐलान किया गया होगा तो यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने भी पिछले सारे मनाजर तो आए होंगे कि कहां अपनों की बेरहमी का, अपनों की ही जो है वो हसद का शिकार होके दर बदर की ठोकरें खाता हुआ यहां तक आने वाला शख्स आज एक मुमलिकत का बादशाह बनने जा रहा है। उन्हें भी तो अपनी किस्मत पर रश्क आया होगा, यकीनन आया होगा। बहरहाल यहाँ एक ऐलान हो गया, दूसरी तरफ तो गोया हलचल मच गई पूरे दरबार में। इतने बड़े बड़े, इतने सालों से बादशाह के साथ काम करने वाले लोग मौजूद थे जिन पर बादशाह एतबार करता था, उनमें से किसी को ये काम नहीं दिया गया। बहुत से बादशाह के रिश्तेदार मौजूद थे, उनको ये काम नहीं दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनका कल तक कोई जिक्र भी नहीं था, बादशाह उनको जानते तक नहीं थे, आज उनको ना सिर्फ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी बल्कि इतना बड़ा मनसब भी दे दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें लोगों में फैलना शुरू हो गई। साथ साथ जाहिर सी बात है जिस वजह से ये मनसब मिला था, वो ख्वाब वो भी फैलने लग गया। तो जैसे जैसे उस ख्वाब का जिक्र फैलने लग गया, लोगों में खौफो हरास फैलने लग गया कि क्या वाकई 7 साल बाद इस मुल्क में कहत आ जाएगा, क्या वाकई 7 साल बाद हमारी जिंदगी में ये क्राइसिस आने वाला है, ऐसा खौफो हरास फैला। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जिम्मेदारी ली तो साथ ही इसके इंतजामात भी करने शुरू कर दिए और एक हुक्म जारी किया। क्या हुक्म जारी किया? कि आज के बाद आप लोग गल्ला अपनी मर्जी से खुलम खुला इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि हर इंसान जो गल्ला उगा रहा है या जिसके घर में गल्ला है वो सिर्फ जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा और बाकी गल्ले को स्टोर करे। और अगर स्टोर नहीं कर सकता तो जो बादशाह कीमत बता रहा है इस कीमत पे वो बादशाह को फरोख्त कर दे। और इस हिसाब से एक कमेटी समझ लें या एक पूरी टीम बनाई गई, फाइनेंस की टीम बनाई गई जिन्होंने ये इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए सारा इंतजाम संभालना था और वो पूरे मुल्क में फैल गई। और उनका काम क्या था कि वो लोगों से जाके गल्ला खरीदते थे। अब जाहिर है लोगों को जब मुंह मांगी कीमत मिल रही थी उनके गल्ले की तो लोगों ने भी धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी जरूरत का रखा और बाकी सारा बेचना शुरू कर दिया। और एक
بڑے اسٹیٹ لیول پہ انتظام شروع ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے گودام بنوا دیے اور لوگوں کے ذریعے زارا غلہ خرید کے اس میں سٹور کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگ گیا, انتظامات جاری رہے. ایک سال گزرا, دوسرا سال, تیسرا سال, وقت گزرتا جا رہا ہے, خوشحالی کا دور ہے. ابھی تک خواب کی تعبیر میں جو بتایا گیا تھا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے, بالکل ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے. 4 سال, 5 سال, 6 سال, 7 سال, 7 سال گزر گئے. 7 سال گزر گئے, زندگی معمولات کے مطابق چلتی رہی. یوسف علیہ السلام نے جو نظام بنایا تھا اس کے حساب سے اسٹیٹ لیول پہ ڈھیر سارا غلہ اکٹھا کر لیا گیا, بڑے بڑے گودام تیار کر لیے گئے کہ اگلے 7 سال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس صورتحال سے نبٹ سکیں. 8واں سال شروع ہوا تو لوگوں نے اپنی روٹین کے مطابق ہی زندگی گزار رہی تھی, اسی حساب سے جو ہے وہ فصلیں بوئیں, بیج ڈالا, ہر چیز کی. لیکن کیا ہوا, بارشیں نہیں ہوئیں. جب بارشیں نہیں ہوئیں تو لوگوں نے دوسرے ذرائع کی طرف رخ کیا, یعنی نہریں اور کنویں جو بھی اس وقت کے تھے ان سے اپنی فصلوں کو سیراب کرنے کی کوشش کی. آہستہ آہستہ پانی کا لیول کم ہونا شروع ہو گیا. اب آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا کہ کرائسس کا آغاز ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ فصلوں کی کمی, پانی کی کمی کا آغاز ہونے لگا. لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب فصلیں نہیں اگ پا رہی. تو کچھ لوگ جنہوں نے کچھ سٹور کیا ہوا تھا انہوں نے وہ اپنا سٹور کیا ہوا غلہ استعمال کرنا شروع کر دیا. جب وہ غلہ بھی ختم ہونا شروع ہوا تو اب سب کو ایک ہی دروازہ نظر آ رہا تھا اور وہ تھا بادشاہ کے دربار کا. اب لوگ اپنی ہر چیز بیچ کے بادشاہ سے وہ غلہ خریدنے کو تیار تھے, کیونکہ ظاہر ہے کھائیں گے تو جیئیں گے. تو اب لوگ بادشاہ کی منہ مانگی قیمت پہ وہ غلہ خریدنے کو تیار تھے. سب نے بادشاہ کے دربار کا رخ کرنا شروع کر دیا. لیکن صورتحال اتنی نارمل نہیں تھی جتنی سمجھی جا رہی تھی, کہ وہ قحط صرف مصر میں نہیں آیا, مصر کے چند علاقوں میں نہیں آیا, یا مصر کے چند شہروں میں نہیں آیا, بلکہ مصر کے آس پاس کے ممالک میں بھی قحط نے ڈیرے ڈال لیے. اب مصر میں تو یہ انتظام کیا گیا تھا 7 سال پہلے سے ہی کہ غلہ اکٹھا کیا جائے, پر باقی ممالک میں تو ایسا نہیں تھا. تو باقی ممالک نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ہر چیز کی کمی ہو گئی ہے, پر ایک ملک ایسا ہے جہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس کثیر تعداد میں غلہ ہے اور وہ لوگ بیچ رہے ہیں, تو کیا ہوا کہ ڈھیروں ملک سے, دنیا کے کونے کونے سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر آنے لگے. ایک عجیب سما بند گیا. اس وقت ملک مصر دنیا کا طاقتور ترین یا دنیا کا امپورٹنٹ ترین ملک بن گیا, اور اس امپورٹنٹ ترین ملک کا امپورٹنٹ ترین بندہ یوسف علیہ السلام ہے. اس وقت وہ اپنے زندگی کی اس پیک پہ ہیں کہ میں کہوں کہ دنیا کی بادشاہت تو غلط نہیں ہوگا, کہ پوری دنیا کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو وہ غلہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں, جس کو نہ دیں نہ دیں, کیونکہ حکم تو ان کا چلنا ہے. بہرحال پوری دنیا سے قافلے آنا شروع ہو گئے اور یوسف علیہ السلام اپنی نگرانی میں غلے کی خرید و فروخت کرنے لگ گئے. منہ مانگی قیمت دی جا رہی تھی, غلہ دیا جا رہا تھا, اس وقت بادشاہ کا خزانہ تو بھرنے لگ گیا. یہ جو قافلے آ رہے تھے ان میں ایک عجیب و غریب قافلہ آیا, ایک ایسا قافلہ جس نے دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہلچل مچا دی, جس نے دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا. کون سا تھا یہ قافلہ؟ آخر پھر کون سا موڑ آ گیا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں؟ اب پھر سے کیا دیکھنا ہے یوسف علیہ السلام کی تقدیر نے؟ کیا پھر سے کوئی نیا امتحان آنے والا ہے؟ جانیں گے اگلی قسط میں.